गाइस, मैं हूँ हिमांशु शर्मा और आपने जैसे भी देखा कि वो लड़का कैसे अल्कोहल कंजप्शन कर रहा था, तो अब हम देखते हैं कि अल्कोहल कंजप्शन लोग किस किस तरह से करते हैं। आइए देखते हैं। और अशन भाई क्या हाल है? अरे बढ़िया भाई। भाई अकेले अकेले मतलब यार तुमने तो सब कुछ भाई रुकना अकेले यार ऐसे कैसे कर अकेले में भाई। अरे भाई ने पूरा स्टॉक मंगा रखा है क्या भाई? अकेले अकेले कुछ नहीं। अरे भाई भाई और बता बस बढ़िया भाई। तू बता भाभी कैसी है? बढ़िया है। अरे एक अल्लाह ठीक है भाई। भाई ये भी बड़े मजेदार हाथ भाई। अरे बड़ी कड़ी चील है भाई। और बता भाई। बस बढ़िया भाई और बता क्या चल रहा है? ठीक है भाई मैं चलता हूँ बस जल्द तू आ गया। बस भाई बस भाई। ओके भाई भाई ठीक है भाई। ठीक है भाई मिलते रहियो भाई भाई। कैसा लगा? मस्त है नहीं? मस्त है ना? मस्त बहुत बढ़िया आया मजा ले अभी तू पी पी मीनू पी मजा। और बता कैसे है सब घर में? बढ़िया बढ़िया है। करो यार तू बता आज तो तुम अकेले अकेले आ गए हम लोगों को पूछा भी नहीं। तो आपने देखा कि वो बच्चे कैसे अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे थे, ड्रग्स का कंजप्शन कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि इसका सोसाइटी पर क्या फर्क पड़ता है। आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, जब कोई इंसान ड्रग्स लेता है तो वो उसके ब्रेन, स्किन, लंग्स, माउथ और हार्ट को नुकसान पहुंचाता है और जिसके कारण डेथ भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ऐसे ही कोकेन हमारे ब्लड वेसल्स, किडनी, लीवर, ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है जिसके कारण हार्ट अटैक भी आ सकता है। और उसी तरह हीरोइन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स पर इफेक्ट डालता है और सबसे ज़्यादा ब्रेन, इंटरनल ऑर्गन्स और फिजिकल अपीयरेंस पर इफेक्ट डालता है। और अब आप जैसा कि इस ग्राफ में देख रहे हैं कितने परसेंट टीनेज अल्कोहल लेते हैं। तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी आप ही के हाथ में है और अगर आप किसी को ये करते हुए देखते हैं, जैसे कि अल्कोहल या ड्रग्स लेते हुए देखते हैं, तो उसको रोकने की कोशिश करें।